लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज मैं आपको सूजी के रसगुल्ले बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनने भी उतना ही आसान होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अपने नियर एंड डियर के संग शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। देख लेते हैं जो हमको गुलाब जामुन के लिए, सूजी के गुलाब जामुन के लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने सूजी एक बाउल लिया हुआ है, उसी के अनुपात में मैंने 3 बाउल दूध ले लिया हुआ है। ये मिल्क पाउडर है, ये 4 टेबल स्पून है। यहाँ पे आप खोया भी यूज कर सकते हैं। ये देसी घी है, लगभग 3 टेबल स्पून है, और ये शक्कर है, लगभग 2 टेबल स्पून है। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ शक्कर लिया हुआ है, ये लगभग 1 ग्लास शक्कर है। उसी के अनुसार मैंने यहाँ पानी ले लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर यूज किया हुआ है इसका फ्लेवर आने के लिए। बनाना सीखते हैं। मैंने ये जो सूजी लिया हुआ है इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। इसको आप ज्यादा ना भूनिए, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस इसको हल्का हल्का भूनने से ये थोड़ा सा पक जाता है अंदर से। मैंने इसको 2-3 मिनट धीमी आंच पे भून लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए और लम्स भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे दूध डालिए और इसको चलाते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी लम्स या गुठलियां आ जाती है। गुठलियां नहीं आना चाहिए, इसके अनुसार आप इसको चलाते रहिए। इसमें थोड़ा आप शक्कर डाल दीजिए जो मैंने बताया था आपको जैसे, और लगभग 2 टेबल स्पून आप घी डाल दीजिए और इसको अच्छे से पकाइए सूखने तक। इसको हल्का हल्का ये गाढ़ा हो रहा है, आप ध्यान रखिए इसमें गुठलियां और लम्स नहीं आना चाहिए, और इसको धीरे धीरे आप ऐसे सुखा लीजिएगा। इसको एक डो के रूप में तैयार करना है। देखिए आराम से हो रहा है, ये इसमें गुठलियां नहीं आ रही हैं। जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता है तब तक हम इसको ऐसे चला चला के सुखा लेंगे। देखिए आप ये लगभग डो के रूप में आ गया है। अब हम इसको निकाल देंगे एक बाउल में अच्छा से ठंडा होने के लिए। इतना आप सुखवा लीजिएगा इसको। हम इसको निकाल लेते हैं बगल में, क्योंकि इसको थोड़ा ठंडा करके अच्छे से डो के रूप में तैयार करना है। और इसमें जो मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, और जैसे हम आटा गूंथते हैं एकदम उसी के अनुसार इसको आटा गूंथ लेंगे। अब ये जल रहा है, थोड़ा सा गर्म है, इसको ठंडा होने तक अच्छा सा इसका डो बना लेंगे एक। तो वो ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ शुगर सिरप बना लेंगे। हम शक्कर डाल देंगे और चला लेंगे अच्छे से। आटे की तरह डो बना लें और अच्छे से गूंथ लें, क्योंकि हमारे सूजी के रसगुल्ले में क्रैक नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको गूंथना बहुत जरूरी है। अच्छे से इसका डो बनना चाहिए। देखिए मैंने डो अच्छे से तैयार कर लिया है और इसमें किस तरह का क्रैक नहीं दिख रहा है। अब हम इसका छोटा छोटा रसगुल्ले जैसा बॉल बना लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी चाशनी बनी है कि नहीं। चाशनी लगभग तैयार होने लगी है। अब इसमें हम
इलायची पाउडर डाल देंगे, इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे, ये भी अच्छे से इसमें घुल जाए। और इसको अभी और पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। तब तक हम यहाँ छोटे छोटे रसगुल्ले बना के रख लेते हैं सूजी के। पहले आप क्या करें, थोड़ा सा ऑयल लगा ले या फिर देसी घी लगा ले और छोटे छोटे बॉल बना लें इसके, इतने छोटे छोटे से। देखिए इसमें किसी तरह का क्रैक नहीं आया हुआ है, यह हमेशा ध्यान रखें इस चीज को। सारे रसगुल्ले बना लिए हैं, इसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ गोले आकार के रसगुल्ले बनाए हैं और कुछ इस टाइप के रसगुल्ले बनाए हैं, आप इसमें कोई भी आकार दे सकते हैं। अब हम इसको तलेंगे। ये हमारा शुगर सिरप हो गया है, अब इसको हम बगल उठा के रख देंगे और इसको तलेंगे। कढ़ाई रख दी थी गैस पे और ये अच्छे से गर्म हो गया है, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, इसीलिए हम वही डो इसमें डाल के चेक करेंगे। देखिए ये बॉल जैसा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये तेल अच्छे से हो गया है, रेडी है मेरा तेल तलने के लिए। मैंने इसको रसगुल्ले जो है अब इसमें तल लेंगे। आप हमेशा इसको धीमी आंच पे तलें, तेज आंच पे ना तलें। तेज आंच पे तलने से वो नीचे जल जाता है और अच्छे से पकता नहीं है, इसे आप हमेशा धीमी आंच पे तलें। देखिए इसको मैं तल रही हूँ, धीरे धीरे आप इसको चलाते रहिए, हल्का ब्राउन होने तक आप इसको तलें। आप देखिए मैंने इसमें सारे रसगुल्ले अच्छे से तल लिए हैं, ये हल्का ब्राउन हो चुका है। आप ये रेसिपी जरूर घर पे ट्राई करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी आता है और बहुत इजी है बनाने में ये। अब हम इसको निकाल लेंगे, अब हम इसको निकाल लेंगे, इसका और अच्छे से निकल जाए। देखिए कितने सुंदर रसगुल्ले बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर बने हैं ये। इसी तरह हम सारे रसगुल्ले जो बना के रखे हैं वो तल लेंगे। ये मैंने रसगुल्ले सब तल लिए हैं सूजी के। अब हमने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाशनी भी गरम कर लिया है। जब भी आप रसगुल्ले डालें चाशनी हल्का गरम करके डालें, उससे क्या होता है रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट बनता है। सारे रसगुल्ले हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। आप इसमें थोड़ा रसगुल्ला डाल के 2 से 3 मिनट तक हल्का सा इसको गरम कर दें, चाशनी को हल्का बॉयल कर दें, ज्यादा ना करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इससे हमारे रसगुल्ले बहुत स्पंजी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब हल्का सा इसमें बॉयल आने दीजिए। अब हम गैस को बंद करके इसको आधे घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए रसगुल्ला बनके तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छा रसगुल्ला बना हुआ है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बादाम लिया है गार्निश करने के लिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए अपने घर में, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट आता है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।